बात जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो कि शायद इन सब बातों में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एक पॉजिटिव माइंडसेट होना। पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रखोगे ना तो दिमाग हमेशा एक्सक्यूज देगा, प्रोक्रेस्टिनेशन, वही एक्सक्यूज, चलो इस काम को कल कर लेंगे, चलो इस काम को बाद में कर लेंगे। नेगेटिविटी दिमाग में आएगी। देखो तुमको मैं जितनी बातें बता रहा हूँ ये अगले 24 घंटे तक तुम्हारे दिमाग में रहेगी, उसके बाद उड़ने लगेगी। शैतान भी तो बहुत है तुम्हारे अगल बगल, जितनी भी गंदी सोच है नेगेटिविटी वो शैतान। द डे यू स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, द डे यू स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, द डे यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ, द डे यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ इज द डे दैट यू हैव मेड इट। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ विद अ पॉजिटिव माइंड सेट। वो एक्सक्यूजेस ना शैतान दे रहा है, तुम्हारे दिमाग की नेगेटिविटी है जो एक्सक्यूजेस लेके आ। तो एक पॉजिटिव माइंड सेट होना बहुत जरूरी है। कैसे होगा मैं बताता हूँ। अपनी डाइट पे ध्यान दो, उल्टी सीधी चीजें एग्जाम के वक्त मत खाओ कि मतलब खूब ढेर सारा जंक फूड खा रहे हैं, उससे नींद आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है। टाइमली अपने खाने को रखो, रेगुलेट करो, एक्सरसाइज कर सकते हो तो एक्सरसाइज करो, नहीं कर सकते हो तो मॉर्निंग वॉक पे जाओ, शाम पे खाने के बाद एक बार वॉक कर लो। मतलब अपने आप को फिजिकली भी फिट रखोगे तभी मेंटली फिट रखोगे। पॉजिटिविटी इन्हीं सब चीजों से आएगी, पर ये पॉजिटिव माइंडसेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। भाई हेल्थ इज वेल्थ, वरना जितनी चीजें ये सब कर रहे हो सब बेकार है। अगर दिमाग ही खराब हो रहा है, रात में नींद ही नहीं आ रही, सर में इक्वेशन घूम रही है, तो ये सब करना किसी भी वर्थ का नहीं होगा। सर मैंने साल भर इतनी मेहनत नहीं की, क्या अभी भी मेरे इसी तरह से 85% 90% आ सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, आ सकते हैं। बताओ सर क्या जादुई तरीका है, क्या करना है? बताने से पहले तुमसे एक सवाल कि ऐसी सिचुएशन तुम अपनी लाइफ में आने क्यों दे? मेरे से एक प्रॉमिस करो, अगली बार लाइफ में तुम ऐसे सिचुएशन आने नहीं दोगे कितने लास्ट टाइम पे तुम आ गए हो, तुम्हारी तैयारी नहीं। चलो अब आते हैं जादुई मंत्र पे, किससे काम बनेगा। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें अपने अंदर इस टाइम लेकर आनी है वो है कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, जो इस टाइम एकदम गायब हो रखा है। यार इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, स्पोर्ट्समैन, एथलीट्स, एक्टर्स, तुम्हें क्या लगता है कैसे बनते? कॉन्फिडेंस है क्या, वो नहीं गिरते नीचे? अरे यार वो इतनी ऊंचाई से इतने नीचे गिरते हैं ना, पर वापस खड़े होकर फिर ऊंचाई पे जाते, क्योंकि उन्हें पता होता है इट विल हैपन। क्या इट विल हैपन? सभी ने एवेंजर देखी होगी, आयरन मैन के सभी फैन होंगे, है ना? इतनी मूवीज देखी, क्या सब वेस्ट गया? कुछ तो लेकर आओ वरना। याद है एक बार आयरन मैन एक गुफा में फंस जाता है, केव में, और वहां पे वो वेस्ट से, क्रैप से अपने लिए फ्लाइंग सूट बना। तो तुम्हें भी अब यही करना है कि वेस्ट है तुम्हारे पास, नॉलेज ज्यादा है नहीं, थोड़ी बहुत वेस्ट है, उसको इकट्ठा करना है, अपने लिए फ्लाइंग सूट बनाना है और उड़ कर जाना है 90% की तरफ। जोश तो आया पर अंदर से आवाज आई नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तुम अपनी बाउंड्रीज बनाकर उसी में फंस गए हो। यहाँ पे पढ़ाई में मन लगने वाला नहीं है, आपका एक स्टडी स्पेस होना चाहिए, स्टडी टेबल हो, एक चेयर हो। जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा हो, बढ़िया टेबल, बढ़िया चेयर, कोई भी हो सकती है। आपका एक कोना हो घर पे जहाँ पे आप पढ़ाई करोगे, एक जगह हो जहाँ आते ही आपके